तो ये ऐसा हो गया कि नीति मेरे को सिखा रही थी एक्टिंग कैसे करते हैं। ओके हार्दिक भाई आप भी आ जाओ। हार्दिक भाई लिटरली हार्दिक ठीक है भाई है। अरे कोई आ रहा भाई बोले आ रहा है। अच्छा तो आईब्रो कहाँ चले ये करना पड़ता है और इसी के चक्कर में मेरा जो गोप्रो है 41,000 का मेरा नुकसान हो गया। देखिए बड़ी अच्छी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी टीवी एट 8 PM प्रमोशन। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog। आपके आकाश को literally consistency जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है but वो होता नहीं है मुझसे बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर कोई भी अगर पूछेगा ना सबसे गंदी आदत क्या है, यही चीज होगी consistency कि भाई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं vlog पे ध्यान देता हूँ YouTube चैनल पे तो मेरा Instagram अपना अलग ही मतलब ऐसा अलग ही भंडी में रहता है कि दैट ये होगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो वगैरह वहां पर भी नहीं डलते। तो फिर वही है कि Instagram पे करता हूँ तो YouTube पे ऐसा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बाकी मैंने वही सीन बोला है कि हार्दिक भाई को मैंने कॉल करके बोला कि भाई शूट करते कुछ, तो क्योंकि दे टाइम से शूट भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो फिर मैंने उनको अच्छा सा लोकेशन दिया दैट जो हमारा दाना पानी बीच है वहां पर हम जाते हैं। तो वो आ रहे ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी टू मलाड। भाई साहब इतनी क्रेजी जगह, लुक एट दिस, क्या बोलना चाहोगे। मालदीव्स बन गया, मालदीव्स भाई मालदीव्स लाइट है ये। एंड वही सीन है कि मैं ना इधर ही आता हूँ जब भी मेरे को ऐसा लो लो फील होता है, तो मैंने हार्दिक भाई को ये बताया कि डन डन भाई तुम अंधेरी वाले हो, तुम वर्सोवा वाले हो, ठीक है। कोई नहीं, मैं एक घंटा आने को तैयार हूँ रोज, ठीक है भाई, क्योंकि है ही जगह इतनी क्रेजी और सही टाइम पे है जब सनसेट होने वाला हो। बट यहाँ का एक ही चीज प्रॉब्लम है दैट आप पीछे देख रहे होंगे दैट ग्रुप मतलब ऐसा बैठे रहते कपल वगैरह, तो ये प्राइवेट अगर होता तो जेन्युइनली अच्छा लगता। बट अगर ये ऐसा है कि कपल वाला स्पॉट है जैसे इधर उधर देखो, आई नो ये प्राइवेट थिंग है जो मेरे को नहीं दिखाना चाहिए, बट क्या करूँ मैं सर, ऐसी की तैसी कर दी इतनी सुंदर जगह की। और बाकी यहाँ पर जो इतना गंदगी फैला रखी है ना, ये ना करे तो भाई ये बेस्टेस्ट, कोई बाहर मतलब बाहर देश से लोग आए यहाँ पर, हम ना जाए वहाँ पर, मजा आ गया। सो गाइस फुल एकदम यहाँ पर सनसेट भी हो चुका है एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पर ना जो मैंने शूट किया अभी ना एक डांस फुल पांच छह मिनट कितना टेक लिया, छह सात टेक लिया और कुत्तों की तरह नाचो, कुत्तों इन द सेंस सॉरी मतलब लाइक तगड़ा भाई फुल एनर्जी लगा के नाचो, उसकी वजह से हालत खराब होगी। तो यहाँ पर नींबू पानी फुल पिया है, फुल इंजॉय कर रहे हैं, इनको तो मजा आ गया इस व्यू देख के, तो इनका तो आज का दिन बना दिया। फिर यहाँ से वही प्लान हमने बनाया कि दैट हम जाएंगे स्नूकर खेलने के लिए। टकराते हो जा रही है वो लड़कियां। सो गाइज अभी ना हम जस्ट अंधेरी आए थे तो मैंने इनको ना जट्टी से लेके आया, बिकॉज अगर मैं मलाड से आता तो लंबा टाइम लगता था, जट्टी से आया तो थोड़ा सा जल्दी करके। कैसा फील रहा जट्टी का भाई, मतलब इनका फील तो बढ़िया था कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बस ऐसे करा है हल्का सा, 5 मिनट का टाइम लगा इधर से उधर हो गए भाई लिटरली। और बाकी हमारे यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, क्या नाम है आपका? सिमरन। और आपका क्या? नव्या। ओके सो दोनों ने लिटरली हार्दिक भाई को देखा, क्योंकि मैं तो फुल अपने इसमें था सेटअप में था, तो इन्होंने बोला कि अरे हार्दिक है, अरे अरे आकाश है, आकाश है। लिटरली कैसे भाई भाई, फिर जैसे हम आए ना यहाँ से तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इन्होंने जैसे आया पता नहीं भीड़ में कैसे घूम लिया अपने, राइडर हो यार आप तो, इतना तगड़ा आपने घुमा दी जाले पे, ये छोड़ा पूरा चिपका के रखी है गाड़ी भाई, लिटरली मैं डाल दूंगा ब्लॉग में, इन्होंने ऐसे इधर उधर घुमाया करके, मानना पड़ेगा राइडर तो हो आप लोग, बट हेलमेट कहाँ है आप लोग का, सच्ची है। हार्दिक भाई आप भी आ जाओ। हार्दिक भाई लिटरली एक तो मेरी गलती है, ये मेरे को बोलते हैं कि दैट कभी भी तू बोलता है ना तो ब्लॉग में भाई भाई मत बोला कर, सब लड़कियां आती है भाई बोलने लग जाती है। सही है ना, तुम्हारी वजह से ना मेरा सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हार्दिक भाई है, हार्दिक ठीक है भाई है। अरे कोई आ रहा भाई बोले यार, अरे 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 इतना हमारी वजह से। Another day, same vlog. So, सुबह सुबह उठते ही डायरेक्ट यहाँ पर देखो, पापा ने मेरे कपड़े कितने प्यार से सजाए, मेरी जो हरकतें हैं ये बहुत ही गंदी है, पापा जो है मेरा मतलब जितना भी तबाही मचाया वो पूरा या बेड से लेकर ये मेरी हरकत है पूरी, ये मैं कर देता हूँ और पापा बेचारे मिला देते, पापा ड्यूटी भी जाते खाना भी बनाते और ऊपर से मेरा पूरा सामान ऐसा साफ वाफ भी करते, क्योंकि सुबह सुबह मेघा ने जो है मेरे लिए स्टारबक्स भी ऑर्डर किया था, कपड़े मिला के रखे और पापा ने मतलब एकदम सख्त होकर बोला कि अगर कुछ बिगाड़ा तूने वापस से तो फिर देख मैं नहीं मिलाऊंगा, है कि नहीं पापा? नहीं, क्या? हाँ सही में, अरे थैंक यू, अब थैंक यू तो बोल, थैंक यू बोल सकता हूँ आपको मैं, थैंक यू बोल सकता हूँ, थैंक यू नहीं चाहिए, वो ढंग से रख ले, ठीक है। यार मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पूरे ना कपड़े यहाँ पर देखो, मैं ऑलमोस्ट मिला देता हूँ, ये भी मिला हुआ है, मैं बिगाड़ देता हूँ ये जितना भी बिगड़ा हुआ है ना, ये मेरी हरकत है, तो ट्राई करता हूँ कि भाई सब मिला रहे, बट कपड़े इतने ज्यादा है ना यू नो, तो उसकी। सो गाइस कुछ टाइम पहले ना मैं पुणे गया था, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है दैट कितनी भारी बारिश हो रही थी वहां पर, तो उसके चक्कर में मेरा जो ये गोप्रो है ये गीला हो गया और मेरे को लगा कि चलो भाई वाटरप्रूफ है, बट फिर वो ये वाटरप्रूफ तब तक है जब तक इसके अंदर पानी नहीं घुस जाता, तो इसके अंदर जो है मैंने, मेरे पास कवर नहीं था, तो इसके चक्कर
चक्कर में इसके अंदर पानी घुस गया था, तो इसके चक्कर में पूरा जो GoPro है वो गया, और इसी के चक्कर में मेरा जो GoPro है 41,000 का मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने इसका अभी जो है वो कंप्लेंट डाला है, तब तक के लिए मेरे को अभी ये यूज करना पड़ेगा जो कि मैं डायरेक्ट 9 से पहुंचा हूं 5 में, क्योंकि ये मेरे पास पहले था। सो भाई GoPro भी खराब हो रखा है, और GoPro नहीं है तो फिर गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि पापा लेके गए हैं और गाड़ी नहीं है तो GoPro भी नहीं है, फिर क्या ही करें। तो अभी ऑटो से जा रहे ऑल द वे फ्रॉम अपने घर से, मैं पता किधर आया हूँ मिलने के लिए। इतनी ज्यादा ये ऐसी है ना, लिटरली इनका ना शूट था, मैंने माना डेली शूट चलता है, वो भी बहुत हेक्टिक, ठीक है, बट इनका पता कैसा वाला सीन है? हाँ, कैसा वाला पता ना जरा। ओके बोले रहे क्या, जज कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। तो इनका पता कैसे सीन है, मैं घर से निकला, ठीक है, मैंने इनको मैसेज किया कि मैंने दैट नीति मैं निकल रहा हूँ, मेरे को वो कर देना, क्या बोलते हैं, लोकेशन भेज देना। नहीं नहीं मेरा शूट है, मैं कट बाय बाय, सुना भी नहीं पूरा और लोकेशन भी नहीं दे रहा, शुक्र भगवान का भला है दैट यहाँ पर मैं आया हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को पता है लोकेशन, तो उसके चक्कर में कब आए जब मेरा एक शूट था यहाँ पर, भारतीय हर्ष वाला एक शो था, उसके लिए मैं आया था। तो वो वाला शूट था, तो उसके चक्कर में मैं आया था, शुक्र भगवान करे मेरे को वो पता था, तो मेरे को लगा शायद यहाँ पर हो सकता है, बट ऑटो वाला तो ऑटो वाला भाई, उसने बीच में छोड़ दिया, 10 मिनट पैदल चल के आया हूँ, पता है इतना ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं, पानी तो मेरे को पिला दिया दुर्गा ने, बट तभी भी मतलब वही चीज मैं बोलूंगा, इतना ज्यादा कष्ट करके आया हूँ सिर्फ नीति के लिए। बट क्यों आए, क्यों क्यों है? बिकॉज इनको एक तो ऐसा था कि मतलब लो फील हो रहा था, ठीक है, हंस नहीं रही थी, तो मैंने बोला एज एन कॉमेडियन एज एन एंटरटेनर मेरे को जाना चाहिए। क्यों लो बिकॉज बहुत ज्यादा लोड था आपके में, क्योंकि इनको इतने ज्यादा स्क्रिप्ट याद करने हैं, तो उसके चक्कर में तो मैंने बोला चलो ठीक है एज एन उसमें चले जाता हूँ, बट यार मेरे को प्लीज आपके गाने, अच्छा गाना तो भाई श्री श्री, नहीं नहीं वो तो नहीं, बाकी मेरे को आपसे ना एक चीज सीखना है, मेरे को प्लीज ऐसे स्क्रिप्ट कैसे याद करते हैं वो बता दोगे, मैं अगर बना कभी एक्टर बड़ा तो मेरे को याद करना है, तो कैसे कैसे होता है इसका ट्रिक मेरे को बता दोगे आप? हाँ, ओके चलो, क्या करना है? मुद्दा याद रखना है। ओके ठीक है, तो ये ऐसा होगा कि नीति मेरे को सिखा रही है कि एक्टिंग कैसे करते हैं। ओके नहीं, स्क्रिप्ट कैसे याद करते हैं? स्क्रिप्ट कैसे याद करते हैं? ओके तो कैसे करते हैं पहले बताओ। तुम कहाँ चले गए? अच्छा तो आईब्रो कहाँ चले, ये करना पड़ता है। नहीं नहीं अच्छा आपने, ओए हाय हाय विद्या बालन, नाइस, फुल एकदम गूज़बम्स आ गए मुझे। सडनली चले गए थे ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी तुम कहाँ चले गए थे। ओ अच्छा, तो वो विद द एक्सेंट आता है ना कि कहाँ चले गए थे और कहाँ चले गए थे। सो अभी हम रील शूट कर रहे हैं, वो भी इनके सेट में, क्या बात है। और आप एकदम, ये तो हैं लीड एक्ट्रेस, तो इनके बोलने पे लाइट वाइट सब चालू हो रही है, वाह क्या बात है। अभी इनका ना थोड़ा सा ऐसा कट चल रखा है, तो तब तक हम रील शूट कर रहे हैं अपना। ये मुझसे मिलने नहीं आ रही है, बनाना है। अच्छा किसका प्लान था रील बनाते? तो कितनी फेंकू है, लाइफ पकड़ी गई हो आप। ये अच्छा, ये जब इन्होंने मेरे को एक बार भी लोकेशन नहीं भेजा, मैं खुद की उससे आया हूँ कि मेरे को इनको बहुत पहले दिया था इन्होंने लोकेशन, तो इसके हिसाब से मैं आया हूँ, इन्होंने तो लोकेशन भी नहीं दिया था, बिजी थी ना, तो मैंने बोला चलो डिलाइटेड भी। ये सब खाना रियल रहता है कि फेक रहता है? फेक रहता है। नकली है भाई, असली कितना, ओ क्या बात है भाई, ऐसा ऐसी मतलब यू नो प्रमोशन नहीं नहीं ऑब्वियसली देखना चाहिए, उसमें हमारी नीति है ब्रो। इनका सेट बड़ा सुंदर है, जो भी एस्थेटिक्स आई यू नो, ब्राउन और ग्रीन। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कितने टाइम, कितने पहले नाचे थे हम जब हमने किया था कमली वाला? हो गया एक मंथ, वन मंथ पहले नाचे थे, वापस लोग बैंक जा रहे, पूना जा रहे, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। अरे यार घूमना पड़ता है ना, आपकी जैसे काम होता मेरे पास डेली वाला तो जाता भी नहीं सच्ची में। ये हमारे प्यारे से दुर्गा भाई, जो हमारी नीति का ख्याल रखते हैं भाई, एवरी टाइम जो चाहिए होता है नीति को ये हाजिर हो जाते हैं। एनसीएम जैसे मैं यहाँ पर एंटर किया, सबसे पहले मेरे को ये मिले थे, बिकॉज नीति का इंटरव्यू चालू था, तो दुर्गा भाई ने डायरेक्ट मुझसे पूछा भाई आप आ गए, लो पानी कुछ पियोगे, ऐसा करके। थैंक यू सो मच भाई, मानना पड़ेगा, ये भी नेपाली है, मैं भी नेपाली ब्रो। झलक में नीति और मैं थे, तो नीति को ना एक वर्ड जो मैं बोलता था, एक नहीं एक सेंटेंस, दैट यू आर द बेस्ट करके, मतलब मैं उनको बोलता था दैट नीति डोंट वरी, थोड़ा काम हो जाओ, स्ट्रेस मत लो, यू आर द बेस्ट करके ना, तो वही मैं अभी बना रहा हूँ नीति के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। नीति बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरा पैकअप हो गया। इतनी हड़बड़ी पैकअप की खुशी। सो गाइस अभी मैं घर जा रहा था, एंड लुक कौन हमें जो है ड्रॉप कर रहा है, नीति चेला विद
खुद से चला के पहली बार, मतलब लिटरली हमें कितना, एक साल भी नहीं, कितना टाइम हुआ हम दोनों को? एक मिनट, फर्स्टली तो आकाश की फट रही है बहुत ज्यादा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं प्रिटेंड ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब कितने टाइम से हम मिल रखे हैं, बट मैं पहली बार बैठा हूँ इनके साथ भाई, बट आई न्यू कि आपको आता है चलाने को, बिकॉज इंडिकेटर विल लेकर सब, क्या बात है, सीट बेल्ट सब मैंने एकदम से टाइट से बांध लिया है वही सीन है यार, डर तो लग रहा है बट दिखा नहीं रहा हूँ, इतना टैलेंट होना चाहिए खुद के अंदर भाई। सो फाइनली घर पे आ चुका हूँ, इन घर आते ही मैंने पता क्या चीज देखी है, घर आते ही मैंने अपनी बिल्लो रानी को चमकते हुए देखा है, वाह जी वाह, लव यू पापा जी, पापा जो है अभी सो रखे हैं, बट वही मैं बोलूंगा व्लॉग के द्वारा दैट लव यू पापा जी, आपने मेरी बिल्लो रानी को धो दिया। बस क्या है ना, मेरी यही आदत है, बिल्लो रानी को मैं बस घसीटता हूँ और फिर उसके बाद जब केयर करने की बात है, देखो केयर करता हूँ मैं बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो बट जैसी टाइम पापा को मिला तो पापा ने यहाँ पर देखो आगे से पिछवाड़े तक सब जगह उसने साफ कर दिया पापा ने, नाइस, क्या चमक रही है भाई। बाकी घर पे पहुंच चुके हैं, पापा सो रखे हैं, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, होप करते हो कि व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो क्या करने का, लाइक शेयर एंड पता है आप लोग को सब्सक्राइब।